बनाएंगे बथुए की चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम हमने बथुआ ले लिया है, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। और इस बथुए को सबसे पहले हम उबालने के लिए रख देंगे। एक कोई भी बर्तन लेंगे और उसमें हम ये बथुआ डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसे हम गैस ऑन करके उबालने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बथुआ उबलता है, तब तक हम सबसे पहले, यहाँ मैंने एक छोटी चम्मच राई ली है, इसको हम हल्का दरदरा कर लेंगे। और दरदरा करके हम कटोरी में निकाल लेंगे। इसे हम एक कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। और इसी तरह हम, यहाँ मैंने 7-8 कली लहसुन की ली है, इन्हें हम बारीक पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करके और एक कटोरी में निकाल के रख लेंगे हम। लहसुन का हमने पेस्ट बना करके और कटोरी में निकाल लिया है। अब हम हमारा बथुआ चेक करेंगे। 10 से 12 मिनट हो गई हमें बथुए को उबालते हुए, और अब हम इसे चेक कर लेंगे। इस तरह से हम बथुए को चम्मच में उठा करके और इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए, हमारा बथुआ उबल गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक जाली में निकाल लेंगे। अब हम गैस फिर से चालू करेंगे और गैस पे हम मीडियम फ्लेम पे ये टमाटर को थोड़ा भून लेंगे, ताकि टमाटर का छिलका आसानी से निकल जाए। चारों तरफ से घुमाते हुए हम टमाटर को भून लेंगे। मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं। अगर बथुआ हमारा 100-150 ग्राम बथुआ है, तो इतने ही हमने टमाटर ले लिए हैं। ये देखिए, छिलका फटने लगा है, तो आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। मैंने यहाँ 5-6 मिर्ची ली है, मीडियम आकार की। ये मिर्ची ज्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ 6 मिर्ची ली है। अगर ज्यादा तीखी हो तो आप कम भी ले सकते हैं। मिर्ची को भी हम इसी तरह से गैस पे रख करके और चारों तरफ से घुमा करके थोड़ा इन्हें हम भून लेंगे। इससे हमारी चटनी में मिर्ची किसी को कच्ची नहीं पसंद होती है, तो वो थोड़ा सा इनको भून लेंगे, तो चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और मिर्ची कच्ची भी नहीं रहेंगी। आप इन्हें तवे पे रख के भी भून सकते हैं। जैसे हम बैंगन भुट्टे के लिए भूनते हैं, इस तरह हम इन्हें डायरेक्ट गैस पे भून रहे हैं। इस तरह से हम इन्हें सब मिर्चियों को भून करके और हटा लेंगे। मिर्ची और टमाटर दोनों को हमने देखिए भून लिया है। अब हम इस तरह से टमाटर लेंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से इसका छिलका उतर गया है। छिलका हटा देंगे हम। हमने इन टमाटर को ज्यादा नहीं भूना है, सिर्फ छिलका उतारा है। अब हम एक जार ले लेंगे और जार में ये टमाटर काट के और डाल लेंगे। छिलका उतार के और मिर्ची को हम जार में काट लेंगे। मिर्ची और टमाटर को हमने जार में काट लिया है। और ये बथुआ देखिए, ये भी हमने जाली में निकाल लिया। बथुए का एक्स्ट्रा पानी भी निकल गया है, और थोड़ा हम इस तरह से जाली में ही दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे। और अब हम इसे जार में डाल के तीनों चीजों को एक साथ पीस लेंगे, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। हमने हमारी चटनी पीस ली है, देखिए एकदम बारीकी से चटनी पीस के हमारी तैयार हो गई है। अब अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही भी खा सकते हैं, हम बिना तड़का लगाए भी। अगर बिना, कुछ लोग लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो अगर बिना लहसुन डाले अगर इस चटनी को ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे ही भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर हम इसमें तड़का लगाते हैं तो भी टेस्टी लगेगी, तो मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ। हमने गैस ऑन कर लिया है और गैस पे हमने एक तड़का पैन रख लिया है। तड़का पैन में मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून तेल डाल लिया है, और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। आप चाहें तो तड़का तैयार करके और चटनी को किसी बाउल में निकाल करके और उसमें तड़का डाल सकते हैं, या फिर हम इस तरह पैन में भी डायरेक्ट तड़का लगा सकते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें राई डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डाल देंगे और गैस हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इनको ज्यादा पकाना नहीं है। और एक चुटकी हींग और ये लहसुन का पेस्ट, बस 1 मिनट। जब तक थोड़ा तेल गर्म रहेगा, तब तक हम इस लहसुन को इसमें भूनेंगे। अब चाहे तो आप ये तड़का डायरेक्ट चटनी में बाउल में डाल सकते हैं, या फिर हम ये चटनी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से तड़के को अच्छे से हम चटनी में मिक्स कर देंगे। ये हमारी बथुए की चटनी तैयार हो गई है।
ये हमारी बथुए की चटनी बनकर के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहें तो आप इसे बिना तड़का लगाए भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। और इस तरह से हम तड़का लगा के भी चटनी बना सकते हैं। आप इसे किसी भी चीज के साथ खाइए, पूड़ी, चपाती, नान, चावल, सबके साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप ये बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।